हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वायरलेस ब्लूटूथ नेकबैंड लाया हूं जो कि बोट कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर रोकर्स बीटी मैक्स है। तो मैं इसका पूरा डिटेल बताता हूं, इसका अनबॉक्सिंग करता हूं और साथ ही साथ देखता हूं इसका बैकअप क्या देने वाला है आप लोगों को, क्या आपके लिए ये नेकबैंड अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो सारा डिटेल बताता हूँ, वीडियो में बने रहना। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे मेरे चैनल का। मैं इसके रैपर को रिमूव कर लेता हूँ और ये जो नेक बैंड है रॉकर्स बीटी मैक्स है, वायरलेस ईयरफोन है और ये ऐसे टाइप का ईयरफोन है। मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे भी ये अपना ब्रांडिंग करता है और यहाँ पे इसका कुछ की फीचर्स दिया हुआ है और ये काफी स्मूथ है, मीन्स कान में फिट आ जाएगा। ये पावर बटन है और इसी से प्ले एंड पॉज होगा। वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप का बटन है, रेड और ब्लू कलर में ब्लिंक कर रहा है, मीन्स ये पेयरिंग मोड में है। यही पे साइड में चार्जिंग के लिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। माइक्रो टाइप चार्जर सपोर्टेड है, ऐसे टाइप का ईयरबड इसमें दिया हुआ है और ये आपके कान में फिट आ जाने वाला है। तो मैं साउंड टेस्टिंग भी करके बताऊंगा। और इसमें जो ब्लूटूथ वर्जन है 5.1 ब्लूटूथ वर्जन दिया हुआ है, हाई कैपेसिटी के साथ बैटरी बैकअप आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्वेट प्रूफ है, मीन्स थोड़ा बहुत पानी जाएगा तो ये सस्टेन कर लेगा। स्पोर्ट्स मोड दिया हुआ है, हाई रेजोल्यूशन का साउंड के साथ आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। इसका मॉडल नंबर बीटी मैक्स है और ये आपको अप्रोक्स 10 मीटर तक है, ब्लूटूथ रेंज है। 220 मिली एम्पियर का बैटरी इसमें बिल्ट है और इसका म्यूजिक प्लेबैक टाइम अप्रोक्स 30 आवर्स तक देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा होता है। 30 घंटे तक आप कंटिन्यू इसमें गाना सुन सकते हो। स्टैंड बाय में अगर आप रखते हो तो आपको अप्रोक्स 100 आवर्स तक ये बैकअप दे देगा। इनकमिंग कॉल जब भी आता है तो ये वाइब्रेट करता है। एक घंटे में आपका ये फुल चार्ज हो जाने वाला है। 40 ग्राम तक का इसका वेट है और इसका स्पीकर डायमीटर जो है 13 mm का है। यहाँ पे लाइट ग्लो कर रहा था बट अभी ऑफ हो चुका है और ये ऑटो ऑफ हुआ, इससे बैटरी बैकअप अच्छा होता है। मैं इसको चार्ज में लगा के दिखाता हूँ। मैं इसमें माइक्रो टाइप केबल लगा लिया हूँ, अब मैं इसको ऑन करता हूँ और देखता हूँ ये चार्ज ले रहा है या नहीं और चार्ज लेते टाइम क्या इंडिकेशन देखने को मिलेगा। तो मैं इसको जब ऑन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर लाइट जलता है, मींस आपको इंडिकेशन देता है कि ये चार्ज हो रहा है। मैं अपने फोन से पेयर करता हूँ और देखता हूँ इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। और ये ब्लूटूथ मेरा ऑन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो बीटी मैक्स करके यहाँ पे ऑप्शन आ गया, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, ये पेयर हो गया। इसमें भी ये साउंड देता है कि कनेक्टेड है। म्यूजिक बजाता हूँ और देखता हूँ इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। और मैं इस ईयरफोन को यूज करके ढेर सारा सॉन्ग सुना तो मेरे को कंक्लूजन ये मिला कि इसका जो बेस है वो थोड़ा डाउन लगा, बेस में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, बट ओवरऑल ये ईयरफोन ठीक है। इसका बैकअप बहुत ही तगड़ा है तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो। और अगर ये चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हो। और जब भी आप इस ईयरफोन का यूज करो तो आप यहाँ पे देख सकते हो R means right side, L means left side. तो ये देख के आप इस ईयरफोन को यूज करना। राइट और लेफ्ट पे मैग्नेट है तो मैग्नेट से ये चिपक जाता है। आप नेक में लगाए हो तो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, इधर उधर जाएगा नहीं और ये कान में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। राइट लिखा हुआ है तो उस साइड राइट रखना है और अदर साइड लेफ्ट रखना है और ऐसे करके आपको ये अपने कान में ऐसे करके फिट कर लेना है। काफी कंफर्ट से आप फिट कर सकते हो, उसके बाद काफी इजिली आप इसको कैरी भी कर सकते हो, मीन्स काफी लाइट वेट है तो आप इसको इजी से यूज कर सकते हो और अपने म्यूजिक का मजा ले सकते हो, कॉलिंग का मजा ले सकते हो। मीन्स ये ओवरऑल ठीक ठाक प्रोडक्ट लगा। तो अगर आपको ये परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से परचेस कर सकते हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे मेरे चैनल का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।